टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 10 मंथ्स, 10 मंथ्स में कितने वीक्स होते हैं वो हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं कि 1 मंथ में कितने वीक होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 मंथ इक्वल टू कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स, तो हम यहाँ पर 4 वीक्स लिख लेते हैं। ओके, फिर हमने फाइंड कितने जो है 10 मंथ्स में कितने वीक्स होते हैं वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर अब क्या लिख लेते हैं, 10 मंथ्स। तो क्या करेंगे अब, 10 मंथ्स में फाइंड करना है। तो जब 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो 10 मंथ्स में वीक कितने होते हैं फाइंड करने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से। तो 4 टाइम्स क्या आ जाएगा, 40। तो 40 वीक्स आ गए, 40 वीक्स होते हैं 10 मंथ्स में। ओके, जैसे यहाँ पर ये भी सॉल्व किया हुआ है मैंने। फिर इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं कि जिनमें अगर 5 वीक्स में डेज फाइंड करने हो, ईयर्स में मंथ्स फाइंड करने हो। ओके, ये ईयर्स में वीक्स फाइंड करने हो तो ये करना है। जैसे मैं इसका बता देती हूँ कि 5 वीक्स में डेज फाइंड करने हो तो उसके लिए 1 वीक में कितने डेज होते हैं पहले वो फाइंड कर लें, 7 डेज होते हैं। फिर 5 वीक्स के फाइंड करने के कितने डेज होते हैं 5 वीक्स में, तो 5 को मल्टीप्लाई करवा दें 7 से, तो 35 आ गया। इसी तरह जब हमने 15 ईयर्स में मंथ्स फाइंड करने हो तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं। तो 15 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 180 आ गया। तो 180 मंथ्स होते हैं 15 ईयर्स में। इसी तरह 5 ईयर्स में हमने वीक्स फाइंड करने हो कितने होते हैं, तो हमने क्या करना है 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। तो आपने क्या करना है, 5 ईयर्स के फाइंड करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 52 से, और 52 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 260 आ जाता है। तो 260 वीक्स होते हैं 5 ईयर्स में। ओके, तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।